नमस्कार। मृत्यु अविनाशी, मृत्यु ध्रुव सत्य, किंतु ताकु जिए भेद करिपारे सीए मृत्युंजय। 105 घंटार ऑपरेशन जिंदगी सफल, 60 फुट तले थिला असीम धैर्य साहस और बंचीबार एक स्पृहा। साप थिला, बेंग थिला, आउ थिला कुनी पिला राहुल। थकी पड़ा, हारिबार भय भी थिला, किंतु से विजयी हेला। आउ हारिगला मृत्यु, जीतिगला राहुल। तेरे उद्धार करिबा मध्य थिला सबुठु बड़ चैलेंज। देशवासी प्रार्थना और पुलिस सेना और एनडीआरएफ अक्लांत परिश्रम समस्त आखिरे भरी दे आनंद आश्रु। तेरे साहसी राहुल केबे हारिनी एक आम कहूना, अल्प बयस तार अभिज्ञता कहूँ, कारण यह पूर्व भी राहुल ओडिशारे हजि सारी। जेतेबेले चारिआड़े खोजा खोजी करथिले परिवार लोके आउ निराश होइथिले, सेतेबेले राहुल घरे जाय पहुंचीथिला। आउ निज घरर युवराज को देखि परिवार लोकंक मनरे खुशी कहिले न सरे। आज से ही राहुल 105 घंटार संघर्ष पर पुणी थरे विजय होइछि। आउ मृत्यु को भेद करी पालटिछि मृत्युंजय। आज्ञा, हाँ, आम कह छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा अंचल से ही राहुल कथा, जहाँ को दीर्घ लगातार 5 दिन धरी पूरा देश आपण माने अन बसी आशा करुले राहुल को टी देखापी केमी कौन राहुल उद्धार हो। शेष गत काली राति पखापाखि 11:56 मिनिट्रे राहुल उद्धार एनडीआरएफ सेना द्वारा एपाय लग पड़े पूरा जिला प्रशासन ठू आरंभ कर एनडीआरएफ एसडीआरएफ अग्निसेवा और स्थानीय पुलिस समस्ते लग पड़े कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री टिटबिट अपडेट नौते राहुल विषय केते दूर खोला चली केते समय भितर राहुल बाहर तार स्वास्थ्यावस्था कि परिशेष समस्त आखिरे लुह आसी किंतु खुशी लुह कारण समस्त अपेक्षा करते राहुल से झलक टिके देखापी विगत रात से राहुल से झलक देखी समस्ते खुशी आत्महरा हो पड़ते दीर्घ 105 घंटा खेल राहुल से कुनी पिलाटी जो भाई संघर्ष करिथिला एवं से संघर्ष परिणाम स्वरूप ताकु जो सफलता समस्त को मिली आज से समस्ते सावासी देखते जो गर्त भितर से जो बोरवेल भितर हुए तो से स्थान में आउ किए रही हुए तो तार जीवन रहा मुस्किल हो जाता था, किंतु अपराजय राहुल से सबकि पराजय कर सबकि हरई निजे आग को बढ़ी। राहुल को शरीर और चर्म इन्फेक्शन एने इंद्रप्रस्थ आपोलो हॉस्पिटल डाक्टर परामर्श ऑपरेशन जिंदगी सफल होगा पर राहुल को बिलासपुर आपोलो हॉस्पिटल आईसीयू में रखी चिकित्सा करुवा सीनियर कंसल्टेंट डाक्टर सुनील कुमार एने मेडिकल बुलेटिन भी जारी करजावत राहुल केतेक रिपोर्ट आसी सारी आहरी एकाधिक रिपोर्ट आसवर बाकी भी अच्छी आहरी एक सप्ताह राहुल जत्न नेबार आवश्यकता थिबा डाक्टर कहते देखिए बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं तो सावधानी के तौर पर जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है और जो भी ज़रूरत की दवाइयां हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए भी मुश्किल है लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ? पानी में जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बताया निमोनिया है क्या? देखिए अभी अभी कुछ जो है उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर का मॉडरेट बोल सकते हैं ब्लड में। खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी तक? जो बच्चे चाह रहे हैं डिमांड कर रहे हैं ना वो दे रहे हैं हम लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी है आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं? कितने डॉक्टर्स की टीम
करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा, तो क्या हड्डियों में भी किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं नहीं, हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है, हड्डी में कोई समस्या नहीं है, स्थिति सामान्य है। अभी स्थिति ये बोल सकती कि अभी अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है, लेकिन दवाइयां का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कई जगह जो है सो दिक्कत है, प्रतिशत का मत पूछो। एपटे जीवन महायुद्ध में विजय हेले राहुल, आउ 5 दिन फसी रहा 60 फुट बोरवेल भितर उद्धार होती छत्तीसगढ़ चंपागर 11 वर्षीय दिव्यांग बालक राहुल। मंगलवार राति प्राय 11:56 राहुल को बोरवेल भितर उद्धार करी जवान। राहुल को उद्धार करने तुरंत आंबुलांस जोगे निया बिलासपुर हस्पिटाल, एवं हस्पिटाल आईसीयू में चली राहुल चिकित्सा। राहुल को हल्का ज्वर हो रही, स्वास्थ्य अवस्था भल चिकित्सा करुवा डाक्तर कहते। राहुल को सब प्रकार चिकित्सा सेवा जोगाई दिया, स्वतंत्र डाक्तर टीम नियोजित होती। सका राहुल ब्रेकफास्ट खेचुड़ी खाई 100 घंटार अधिक समय धरी अक्लांत परिश्रम कर राहुल को 60 फुट बोरवेल भितर उद्धार करते एनडीआरएफ एसडीआरएफ भारतीय सेना जवान अग्निशम बाहन जवान अपूर्व साहसिकता को सारा देश देबासी। सफल होपरेसन जिंदगी, गोटे अमूल्य जीवन को उद्धार कर जवान माने पुणी प्रमाणित करते निष्ठा और परिश्रम थिले सफलता केबे भी हाथ छड़ा हेबो नाही। राहुल उद्धार पर खाली बापा मा कहीं देशर कोटी कोटी जनता मुहरे हस, कारण यही गोटे जीवन पर कोटे लोकों प्रार्थना तो रही। राहुल उद्धार होगा पर टनेल भितर स्थिति परखी आम न्यूज 18 टीम आसतु देखा कि स्थिति सेठे। 5 दिनों तक इसी बोरवेल में राहुल फंसा हुआ था। देख लीजिए हमारे पूरे जवान हैं जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, पंडा जी है, जोगेश्वर जी हैं, आप देख सकते हैं किस तरह के चट्टानों को 20 चट्टानों को खोदा गया है। ये कितना क्रिटिकल रेस्क्यू का कार्य था, हम बात करेंगे, पंडा जी बताएंगे 20 चट्टानों को आप लोगों ने काटा है। सर ये तो बहुत ही मतलब हार्ड तो था ही, और साथ में हमारे सारे जवानों का, चाहे हमारे एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो चाहे जो अन्य भी सर शासन वाले थे, सबका भरपूर रहा है यहाँ पे योगदान, और फिर सारे लोगों ने बहुत ही कठिन सेवा किया सर यहाँ। आप लोग इस तरह के कभी क्रिटिकल रेस्क्यू किए हैं? क्योंकि बच्चा था, मूक बधिर था। यह सर मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट रेस्क्यू है सर, और क्रिटिकल था जी सर, बहुत ही हार्ड रहा है। देखिए हमारे एसडीएफ के जवान जोगिंदर भाई है, हम उनसे बात करेंगे कि बताएंगे कि कितना क्रिटिकल रहा है, आप बार बार जो है टनल के अंदर गए, कितना फीट टनल था ये? लगभग ये 20 से 22 फीट का लंबा है टनल, और सबसे बड़ी समस्या तो आप सभी अवगत हैं कि जब इनका खुदाई हुआ उसी टाइम पे, जब फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट काम शुरू हुआ था उस टाइम पे लाल मुर्म और पत्थर के साथ काम चालू हुआ था, और जैसे जैसे गहराई बढ़ते गया तो उसके बाद में पत्थरों का समूह समझो ऐसा लग रहा था। काफी दहशत के साथ आप लोग काम किए होंगे? कभी कभार ऐसा लग रहा था कि पत्थर ही ऐसा दुश्मन हो गया हम लोगों का जो राहुल तक हमको जाने से रोक रहे हैं, पर भी हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम और वो जिले के साथ जो टाई अप और निजी कंपनियों के जो रेस्क्यूअर हैं उन्होंने हमारे कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया, और आज सपना भले हमें 5-6 दिन लगा लेकिन सही सलामत और सब कुशल रेस्क्यू कर उनको हॉस्पिटलाइज करने में हमारी सारी टीम ने अपना बिल्कुल बड़ी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। आपके जो चेहरे हैं वो देखकर बता रहा है कि आपने ड्रिलिंग का काम किया होगा, कितना कठिन था ड्रिलिंग? बहुत कठिन सर, बहुत कठिन ड्रिलिंग का काम किया है, और काफी मशक्कत के बाद हम राहुल के पास पहुँच सके। जी बिल्कुल, एक तस्वीर है रोहित, मैं कहूंगा मेरे सहयोगी हैं बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी सर, मतलब कि हम लोग थे फ्रंट पर और हमारे बैक के पीछे से ये लोग सारे लोग बिल्कुल। देखिए हम इनके देखिए उम्र का ये उम्र की तारीफ करनी होगी, जिस उम्र में लोग घरों में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहनलाल जाट। बिल्कुल, कितना कठिन था काम? बहुत कठिन था सर जी। लेकिन कितने घंटे काम किए? हम 36 घंटे काम, 36 घंटे काम। अब जब राहुल जिंदा आया कैसे लगा? खुशी हुआ,
जी राहुल के लिए अपन ने देखिये ये खुशी बता रही है कि किस तरह के कितनी उम्र में कितनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने इस चट्टान को ड्रिल किया है। पत्थर कोई आसान नहीं है, देख लीजिए। एक तस्वीर मैं दिखाने के लिए कहूंगा कि देखिए इसके अंदर हालांकि जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है, ये वही ड्रिल है जिससे काटा गया है। देखिए कितने लगभग 20 फीट का ये 20 फीट का सुरंग है और ये सुरंग बनाया गया है। उसके बाद नीचे राहुल को रेस्क्यू किया गया है। इन चट्टानों के बीच राहुल को खोजना भूसे में सुई खोजने के समान है। लेकिन मैं इन तमाम, चाहे वो SDRF की टीम हो या NDRF की टीम हो, चाहे उन्होंने जो ड्रिल का काम किया है, तमाम रेस्क्यू में जिन्होंने अपनी जान लगा करके ये काम किया है, राहुल को जिंदा हम तक लाया है, उन्हें News18 की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, News18 जांजगीर छत्तीसगढ़। तस्वीर है आपने देखिपुले से घटनास्थल चित्र देखाऊ गत काली जो समय राहुल बाहरी से स्थानवर्त प्रतिक्रिया आपने शुणुते जो NDRF टीम कथा कहते SDRF टीम अग्निशम एवं जो मैंने ड्रिल भी करुते कथा आप शुणुते केते कठिन था केते कष्टसाध्य ऑपरेशन किंतु राहुल बाहर पर कठिन परिश्रम समस्त को खुशी देती कारण राहुल को सही ठीक भाव में सुस्थतार सहित बाहर को आनी समस्ते तेज 5 घंटार ऑपरेशन थिला बेस्ट चैलेंज NDRF पुलिस एवं आर्मी रो लगातार प्रयास राहुल को उद्धार कला NDRF रो पूरा ऑपरेशन विषय कौन कहते ओडिशा NDRF टीम रे जाइथिबा अधिकारी पी अनिल कुमार आसंतु देखिबा कर्नल प्रखर हमारे बीच मौजूद हैं। पूरे ऑपरेशन की कमान इन्होंने संभाली है। सर कितना क्रिटिकल रेस्क्यू था? 104 घंटे चला। इस देश का सबसे लंबा ऑपरेशन था और सक्सेसफुल ऑपरेशन था। बच्चा हमारे बीच है और स्वस्थ है, तो आपने देखा होगा काफी क्रिटिकल ऑपरेशन था। सर जिस तरह से टनल बनाया गया था कुछ कंफ्यूजन था, बच्चा कहां पर है, कैसे आप लोगों ने डिटेक्ट किया? डिटेक्ट हमने किया, एक डिजीमीटर होता है जिससे हमने उसका पहले अलाइनमेंट चेक किया, बोर का अलाइनमेंट चेक किया, साथ में कैमरा भी था बोर के अंदर, तो उस तरह से हमने अनुमान लगाया, थोड़ा अनुमान थोड़ा टेक्नोलॉजी का दोनों का साझा प्रयोग करके हमने अनुमान लगाया कि बच्चा यहाँ पे होगा। तो जी जिस तरह से बोर मुझे ये भी जानकारी मिली बोर जो उसकी जो तिरछी थी तो इसलिए क्या क्रिटिकल हो रहा था रेस्क्यू करने में? ये एक तो थोड़ा सा बोर तिरछा था उसका भी क्रिटिकलिटी था, दूसरा क्रिटिकलिटी था कि जो पत्थर था बोर के बीच में भी थोड़े पत्थर निकल रहे थे जिसकी वजह से प्रयास हमारा और मुश्किल हो गया। सर राहुल किस सिचुएशन में था? हम लगातार 5 दिनों से यही आप लोगों के साथ कवरेज कर रहे हैं, राहुल की सिचुएशन क्या थी वहाँ पर, किस तरह था वो? पहले 2 दिन तो राहुल की सिचुएशन अच्छी थी, अभी भी अच्छी थी, लेकिन पहले 2 दिन उसकी अच्छी थी। वो खा रहा था, केला खा रहा था, जूस पी रहा था। पिछले लेकिन 36 घंटे से हमें थोड़ी चिंता होने लगी क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, लेकिन उसकी सारे जो वाइटल्स थे, बॉडी के वाइटल्स थे, वो सारे नॉर्मल थे। और अभी भी जब बाहर आया तो उसके वाइटल्स नॉर्मल थे। हमारी एक डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने उनके ऊपर पूरा जब आप लोगों को देखा 5 दिनों से किसी भी के संपर्क में नहीं था, जो बच्चा है दिव्यांग बच्चा है, जब उसने आपको देखा तो किस तरह का रिएक्शन रहा? एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चा थोड़ा वीक था, थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था क्योंकि 36 घंटे से खाया नहीं था। तो मेरा यह है कि अनुमान है कि थोड़ा उसे राहत भी मिली होगी। हमने लोगों को बोला था थोड़ा शांत हो जाइए, तो बच्चा थोड़ा पैनिक कर सकता है ऐसे मामलों, क्योंकि 5 दिन से वो किसी सुन नहीं रहा है कुछ है। बट मैं बच्चे की सहनशीलता को बहुत ही ज़्यादा मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि बच्चा इतना सहनशील था कि इतने रहने के बाद भी एकदम स्वस्थ बाहर निकला है। जी बिल्कुल सर, आपको और आपकी पूरी टीम को और इस रेस्क्यू कार्य में जितने भी जवान लगे हैं, जितने भी मदद की है, उसको News18 सलाम करता है और बच्चे की हौसले की दाद News18 देता है। साथ ही साथ आप सभी के हौसले का भी दाद News18 देता है। जिस तरह से रेस्क्यू का कार्य किया गया, एक बेहतर परिणाम सामने आया। 5 दिनों बाद आज राहुल हमारे बीच अगर जिंदा है तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज सफल ऑपरेशन हुआ, उसका श्रेय जिला प्रशासन, तमाम पुलिस और जो रेस्क्यू कार्य में लगे हुए थे उन सभी को जाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव साथ युगल तिवारी, News18 जांजगीर छत्तीसगढ़। 5 दिनर साथी थिला गोटे साप गोटे बेंग एवं राहुल अणओसारिया अंधार गातरे साप सह एका राहुल 5 दिन बिताइला, यह जानिबा परे लोमो भी टांकुरी उठुची।
गात भितर साप को निज पाखर दूरे रखे राहुल सफल हो बाहर को सुरक्षित बाहरी पारी बड़ कथा जे भली स्थिति रे राहुल गात भितर साप सह सामना सामनी हुई भी निज को सुरक्षित रखिपारी राहुल हे खूब साहसी बालक से अपराज ए विश्वास राहुल गांव लोकों थिला कारण यह पूर्व भी राहुल ओडिशा मेला देखा आसी हजी जाता पर लोके न पाई दुखरे भांगी पड़ते किंतु अचानक राहुल दिने जा गांव पहुंची से गांव लोकों मनरे अतुट विश्वास था जे 60 फुट गात भितर राहुल बाहरी आसव आेषे ही गांव लोकों से भरोसा सत हो साहसी राहुल गात भितर बाहरी आसी न्यूज 18 रो प्रतिनिधि जुगल तिवारी जे कि लगातार आम को घटनास्थल सब प्रकार चित्र देखाउथिले जीवा वर्तमान अधिक अपडेट जानिबा पई जुगल जी पहले जानना चाहूंगी आपसे राहुल कैसा है दुआओं का असर दिखा और सभी पूरे देश भर में राहुल की सलामती के लिए जिस तरह से प्रार्थना की जा रही थी ईश्वर ने प्रार्थना उनकी सुनी और वो सकुशल है अभी चिकित्सकों की दल है 7 सदस्य जो चिकित्सकों का बनाया गया है हॉस्पिटल में सतत निगरानी कर रही है ICU वार्ड में रखा गया है और बड़ी खबर यही है कि राहुल ने खाना भी खाया है मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ है लेकिन कुछ इन्फेक्शन हुए हैं क्योंकि स्किन में जो कई जगहों से कट लगा हुआ था अंदर नमी थी इसलिए इन्फेक्शन हो गया था तो उस जो इस इन्फेक्शन है उसके उपचार किए गए हैं और जिस तरह से मेडिकल जांच उसकी की गई है इन्फेक्शन का जो ग्राफ है वो बढ़ा हुआ परिणाम आया है डॉक्टर है सतत जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं निगरानी कर रहे हैं और अभी खतरे से बाहर है स्टेबल है स्थिति उनकी और वो बात जो रिस्पॉन्स कर रहा है जुगल जी जो हम लोगों ने डॉक्टर की जो प्रतिक्रिया ली है उनसे जो बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन राहुल के लिए जानलेवा भी हो सकता है उसको लेके क्या कुछ कहना है जी देखिए अभी स्थिति जो है स्टेबल है उनकी खतरा हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है 5 दिनों तक वो एक ही टनल में था तंग टनल में था और तमाम तरह की मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ा था राहुल के हौसले को देखिए अभी खतरा तो बिल्कुल है लेकिन जिंदगी की जो जंग है वो किस तरह वो जीतते आ रहा है जब राहुल बोरवेल में फंसा था तो 3 जिंदगियां एक साथ थी एक मेढक था जो उस एकांत में उसका साथी था लेकिन दूसरी ओर उसके लिए एक बड़ा खतरा टनल से भी जो बोरवेल से भी गड्ढे से भी ज्यादा गड्ढा तो उसका कब्रगाह था ही साथ ही साथ उस जो गड्ढे में एक सांप भी था जो उड़ीसा NDRF की टीम जो जो सतत मॉनिटरिंग कर रही थी उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उसने बताया कि गड्ढे में एक सांप भी था सांप उसका जान अभी था लेकिन नियति को देखिए प्रकृति को देखिए कि कितना बेहतर जो उसने बचाव किया वहां पर डरा नहीं सहमा नहीं और तमाम विषम परिस्थितियों को झेल करके राहुल आज बाहर आया है बिल्कुल खतरा बढ़ा हुआ है क्योंकि इंफेक्शन जो है उसके शरीर में है लेकिन अब जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उसकी सतत निगरानी कर रहे हैं तो यही उम्मीद जताई जा रही है जब जिंदगी की जंग इतनी बड़ी जंग वो जीत लिया है तो अब जंग जीत रहे हैं उसे कोई दिक्कतें नहीं होंगी जी बिल्कुल जुगल और एक जानकारी भी जानना चाहूंगी जो इतना देर 105 घंटे लगभग वो एक ही जगह पे बैठा रहा हाथ पैर तो छिल गए हैं लेकिन उसकी अगर हड्डियों की बात की जाए उसकी अगर मानसिक स्थिति की बात किया जाए वो कैसा है जी देखिए राहुल को हम कहें कि देश का सबसे मजबूत बच्चा है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा इतनी त्रासदी इतनी यातनाएं और इस तरह की विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी राहुल आज इस मुकाम पर है जिंदा है और वो खाना पीना भी खा रहा है अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है ये उसके जिंदा दिली को बताता है और जिस तरह से राहुल पहले से काफी चुलबुला है हमने जब उनके घर वाले से बात की उनके परिवार के जो फैमिली मेंबर है उनसे बात की तो एक अहम जानकारी है वो सामने आई
कि राहुल 2018-19 जब उड़ीसा में एक बड़ा मेला लगा था अपने मम्मी पापा परिवार के साथ गया था, उस दौरान राहुल उड़ीसा में घूम गया था। लेकिन सोचिए लाखों की भीड़ थी, बावजूद इसके कि राहुल को उसके माता पिता को मिल गया वो, तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। राहुल भले ही दिव्यांग है, भले ही उसे सुनने की क्षमता ईश्वर ने नहीं दी है, बोलने की क्षमता नहीं दी है, लेकिन उसका ब्रेन कितना काम करता है, उसका दिमाग कितना शार्प है, वो चीजों को पूरी तरह से समझता है। और देखिए विकट परिस्थितियों में किस तरह से उसने वहां पर भी जो बोर के भीतर भी अपनी साहस अपनी धैर्य को खोया नहीं, किसी तरह से ये का डिप्रेस नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और यही जिंदा दिली और यही उसकी दिमाग की काबिलियत ये आगे उसे सरवाइव करने में मदद करेगी। जी जुगल, कल देर रात भी आप वहीं पे थे और जब राहुल को निकाला गया तब भी आप वहां थे, उनके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था पहले वाला? जी देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हमने देखा लाइव फुटेज में तमाम दर्शकों को दिखाया, जो एनडीआरएफ का जो जवान जो 2 दिनों तक 5 दिनों तक उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था, उसे खाना पहुंचाने का काम करता था उड़ीसा का ये जवान, तो देखिए जब जैसे ही पता चला कि राहुल बाहर आ रहा है, लगभग वो 400 फीट की दूरी से दौड़ते हुए राहुल के पास टर्नल पर आया, और जब हमने उनसे बात की तो कहा कि मैं उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया हूँ, तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। एक लगाव हो जाता है, एक जो कही जा सकती है कि एक परिस्थितियां ऐसी थी कि आप सोच सकते हैं कि हर आदमी का गला रूंधा हुआ था, गला बिल्कुल आग से आंसू छलक रहे थे, राहुल की परिस्थितियों से हर कोई वाकिफ था। हम भी उन परिस्थितियों को देखे हैं, उन जवानों को काम करते हुए देखे हैं, ना छाया था ना पानी था, बावजूद इसके 45 डिग्री के जो तापमान है उस पर काम किया है, जितने रेस्क्यू दल में थे, जिसने उस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक बिना थके बिना रुके कवरेज किया, आज ये भी स्थिति है कि अधिकांश लोगों को सनबर्न की जो है वो हो गई है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ कितना हाई टेम्परेचर था, बावजूद इसके सबने बेहतर काम किया, एक टीम वर्क जिसे बोलते हैं वो देखने को मिला, चाहे सेना के जवान हो डीआरएफ के। जी बिल्कुल, जैसे ही आप जैसे बोल रहे कि पूरे टीम की और पूरा देशवासियों का नजर और देशवासियों का प्रार्थना ही कहीं काम आया और दुआ ही कहीं काम आया, जिसकी वजह से राहुल बाहर निकल पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के आपकी जानकारी के लिए। श्रीकांत सेठी अच्छा आम सहित फुल लाइन रे पूर्वतन अग्निशम विभाग अधिकारी आम सहित अच्छा पूर्वतन अग्निशम अधिकारी श्रीकांत सेठी सर आम सहित अच्छा श्रीजुक्त सेठी स्वागत आपको। श्रीजुक्त सेठी, ये जो ऑपरेशन राहुल एवं ऑपरेशन जिंदगी आप देखिले 5 घंटार ये जो कष्टदायक ऑपरेशन थिला, वास्तविक बहुत कष्ट थिला, एवं जदि तमाम चित्र संपर्क में आम एवं भावुचे निश्चित भाव में भावी कष्ट हो राहुल कथ जदि कह अग्निशम अधिकारी कथ कह सब डिपार्टमेंट कथ कह के कष्ट से घटनास्थल पूरा दिन रात एक कम करने मु आपको प्रथम रु कही रखी दीर्घ 5 दिन ऑपरेशन 105 घंटार ऊर्ध ऑपरेशन एवं समस्त मिलित प्रचेषा जो राहुल साहू को उद्धार करा एवं अति सुंदर भाव उद्धार कर अक्षत अवस्था उद्धार करा जोटा कि समस्त को धन्यवाद और समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। आम बड़ कथा हूँ जे से जो मिलित प्रचेषा चली एनडीआरएफ एसडीआरएफ आर्मी आपणकर लोकाल एडमिनिस्ट्रेशन समस्त मिलित प्रचेषा जो जिते कष्टदायक हेले भी ऑपरेशन जिते कष्टदायक हेले भी आप देखु आपणकर जो स्कोचिंग हिट आपणकर जो उताप थिला आपणकर ग्रीष्म प्रवाह थिला एवं ता संग को डस्ट एवं ता संग को हार्ड स्टोन ताकु कटिंग करिबा जो कष्टदायक थिला से कष्टदायक स्थिति मध्यरे समस्त टीम अति उत्साहजनक भावे नॉन स्टॉप कंटिन्यूटी रखिकरि काम करथिले जोटा की एक उदाहरण विरल उदाहरण छत्तीसगढ़ सरकार आरंभ कर जिला प्रशासन एवं अग्निशम विभाग अधिकारी ग्रिलिंग डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट आप देखते गोटे मिलित समन्वय एवं जो ऑपरेशन रो गोटे स्पृहा थाए गोटे इच्छा थाए तार परिणाम आज राहुल जीवित भाव में सुस्थ भाव में बाहरी आसी समन्वयटा सब स्थान में रहा दरकार ना नहीं बर्तमान समय निश्चित भाव एभली जदि एकता रहित ताले निश्चित भाव जेको प्रकार असाध्य को साधन करा जाई पारिबो बोली मोर आशा और विश्वास।
କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଏକ ବିରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏକ ବିରଳ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସମସ୍ତେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ, ବିରଳରୁ ବିରଳତର ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ୟାର ଜୀବନଟିକୁ ରାହୁଲ ସାହୁର ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସେଠି, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାଳକ ଯେ କି ନା କହିପାରୁଛି ନା ତା ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖି ତାକୁ 105 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାତାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯିଏ କି ତା ସହିତ ମନର କଥାକୁ ବାଟିଥିଲେ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଯୋଉ ସର୍ଚ୍ଚ ରେସ୍କ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ, ତାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ପାଣି, ତାକୁ ORS, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କେବଳ ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ ତାର ଫେସ୍ ରିଡିଂ କରିବା, ତା ଫୁଲ ତାର ଆଖିରୁ ଦେଖିକିରି ଯାହା ମାନେ ଯୋଉ ସେଠି ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ବା ଯୋଉମାନେ ଫେସ୍ ରିଡର୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥା, ତା ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଠି ଯିଏ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯୋଉ ୟାକୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ରାହୁଲର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ରାହୁଲର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ରେଗୁଲାରଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ କି, କାରଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିପାରିବା ରାହୁଲଙ୍କୁ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ଏବଂ ରାହୁଲର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କହିପାରିବା ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ ସାର୍ ଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରାହୁଲ ତାର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଛି, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ସଫଳତା ଦେଇଛି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବାରେ। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ସ୍ପେଶାଲକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।